और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऑल इंडिया से ग्रेजुएट हूँ। 21 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और आफ्टर वेटिंग फॉर वन ईयर आई हैव बीन वर्किंग एवर सिंस ओवर हियर एट माय ओन फर्म। समिट जो है वो मेरे फादर का इनिशिएटिव था। 95 में ही स्टार्टेड दिस फर्म एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और 21 में मैंने इसमें डिज़ाइन भी एड किया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन। और समिट जो है वो कंस्ट्रक्शन डील करती है और समिट स्टूडियोज जो है वो डिज़ाइन डील करता है। आर्किटेक्चरल फर्म की जहाँ तक बात रही कि हम लोग डिफरेंट क्या कर रहे हैं बाकियों से, उसमें हम लोग एज सच डिफरेंस कुछ लेके आ सकते नहीं है, बजाय इसके कुछ हम स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करें जिसमें ग्रीन आर्किटेक्चर आया था। लेकिन रादर देन दैट हम लोग उसमें जो मुख्तलिफ कर रहे हैं बाकी कंपनी से, हम लोग मटीरियल्स जो है वो खुद बनाते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसमें आ रही थी आपकी फसाद टाइल्स आ रही थी, इंटीरियर का फर्नीचर आया था जिसमें लैम्प्स होते हैं, सोफ़ाज होते हैं, बेड्स होते हैं, वो हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है पूरे ओवरऑल टीम में आता है जो, वो हम लोग उसी के हिसाब से बनाते हैं और उसको हम लोग जो है प्रोड्यूस भी खुद ही करवाते हैं। अच्छा, मेरी काम ना करने की कहीं और वजह सिंपल इतनी सी थी कि मुझे डिज़ाइन में इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो डिज़ाइन जो प्रोसेस है एक, वो खुद इटसेल्फ बहुत क्रिएटिव और बहुत मज़ेदार होना चाहिए, मतलब यू शुड इन्जॉय द प्रोसेस। और ड्यूरिंग जॉब आप थोड़ा सा ना बाउंड होते हो अगले की जो है उसमें लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने के लिए, अपने अंदर जो डिज़ाइन का जो आउटकम आता है वो हाइब्रिड बनना था। वो हाइब्रिड जो होती है चीज़ वो कभी भी आपको पता है कि आपस में मैच नहीं करी होती। मेरी अपनी लैंग्वेज है जो जिसके पापा जॉब करूँगा उसकी अपनी लैंग्वेज होगी, या तो कोई मुझे मेरे अपनी तरह का मिल रहा था जिसकी मेरी और उसकी हमारी लैंग्वेज आपस में मैच करती तो वो चीज़ मज़ेदार बनती। लेकिन आई वॉन्टेड दैट इंडिपेंडेंसी कि जो चीज़ मैं बनाऊँ, जो मैं स्केच बनाऊँ वो चीज़ मेरी लाइफ में देख सकूँ मैं, उसके अंदर जो है किसी और का आउटपुट हो भी अगर तो वो सिर्फ इतना सा हो कि उसने उसकी जो है वर्किंग ड्राइंग बनाई हुई हो, दैट्स इट। पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह कि मैं पहले भी अपने कोलीग्स को और अपने जो हमारा स्टाफ है मैं उसको बताता हूँ इसके बारे में, कि वेंडर्स और स्टूडेंट्स को आपस में मिलाना एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर वो अभी जो बंदा मार्केट में नहीं आया, इस तरह से मैं अभी 2 साल पहले अपने आपको देखूँ मैं, अगर मेरे फादर ना होते इस फील्ड के अंदर तो मुझे बहुत मुश्किल होती इस मार्केट में आने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और उनकी फैमिली वाले या फिर कोई भी उनका जानने वाला इस तरह के फील्ड में नहीं है तो उनके लिए मार्केट में आना बहुत मुश्किल होता है। तो जो ये प्लेटफॉर्म है आई थिंक ये उनकी बहुत हेल्प करेगा इस सारे सिलसिले में, और उनकी जो प्रमोशन है वो मार्केट में आने से पहले ही जो होंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनका कोई इंटरव्यू, उनका कोई प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा ऑलरेडी, तो बिफोर ग्रेजुएशन दे विल ऑलरेडी बी इन द मार्केट। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये।